वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लंदन पोएम। लंदन पोएम विलियम ब्लेक ने लिखी थी, जो कि 1794 में पब्लिश की गई थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। दोस्तों विलियम ब्लेक के दो कलेक्शंस थे, एक था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और दूसरा था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो विलियम ब्लेक क्या करते थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में समाज की अच्छी बातों को लिखते थे और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में समाज की बुरी बातों को लिखते थे। हार्श रियलिटी को सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लिखते थे। उनका ये मानना है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम बड़े सीधे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं तो हमारे अंदर मक्कारी नीचपन आने लग जाता है, हम झूठ बोलने लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इनोसेंस रिप्रेजेंट द अनफॉलन वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट द फॉलन वर्ल्ड। दोस्तों आपको बता दूँ कि विलियम ब्लेक कोई भी पोएम अगर इनोसेंस में लिखते थे तो उसका रिप्लाई वो एक्सपीरियंस में करते थे। जैसे कि एक पोएम है द टाइगर, उस पोएम का रिप्लाई उन्होंने द लैम्प में किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पोएम हम पढ़ रहे हैं लंदन, उसका रिप्लाई उन्होंने कौन सी पोएम में किया है। तो आपको बता दूं कि लंदन एक ऐसी पोएम है, उन पोएम्स में से एक पोएम है जिनका रिप्लाई उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में नहीं किया है। इट इज वन ऑफ द फ्यू पोएम्स इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट डज नॉट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग पोएम इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। I wander through each charter street near where the charter Thames does flow। यानी कि विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि वे लंदन की गलियों में इधर उधर घूम रहे हैं और वो घूमते घूमते थेम्स नदी के किनारे पर पहुँच गए हैं, यानी कि वो थेम्स नदी के आसपास ही घूम रहे थे। दोस्तों थेम्स नदी है वो लंदन की एक पवित्र नदी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में गंगा नदी है वैसे लंदन में थेम्स नदी है। आगे देखते हैं। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क ऑफ वीकनेस मार्क ऑफ वो। कवि कह रहे हैं कि वे घूमते घूमते इन गलियों में देख रहे हैं कि हर किसी के चेहरे पर वीकनेस थी, हर किसी के चेहरे पर उदासी थी। आगे देखते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन इन एवरी इम्फेक्ट क्राई ऑफ फियर इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन द माइंड फॉरगेट मैनिकल्स आई हियर। यानी कि कवि कह रहा है कि चाहे कोई आदमी हो या हो कोई बच्चा, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। मैं इनकी बेबसी को महसूस कर सकता हूँ, इनकी चिल्लाहटों को मैं सुन सकता हूँ। यहाँ पे एक शब्द आया मैनिकल्स, मैनिकल्स का मतलब होता है जंजीर। यानी कि पोइट कह रहा है कि यहाँ के लोगों ने अपने आप को कैद कर रखा है, यहाँ की सोसाइटी ने इतने सारे रूल्स बना लिए जैसे मानो कि ये लोग कैदी हों, इनको बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है। द मैनिकल्स आर सम काइंड ऑफ ए चेन दैट keeps a person imprisoned. The fact that keep chains our mind forget reveals that they are metaphorical chain created by the people's own ideas. आगे देखते हैं। How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the helpless soldiers sight turn in the blood down palace walls. यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि चिमनी एक बहुत छोटी होती है, उसकी चौड़ाई काफ़ी कम होती है, तो उसमें बड़े व्यक्ति काम नहीं कर सकते, उनमें छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है। तो क्या होता है, उन बच्चों को उसमें काम करने की वजह से उन बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु का कारण है जो चर्च को बताया गया है, इसमें आया भी ब्लैकनिंग चर्च। ब्लैकनिंग चर्च का मतलब है कि जो ये बात है चर्च ऑथोरिटी इसके लिए शेमफुल है। आगे देखते हैं। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स आई रन इन द ब्लड डाउन पैलेस। और इसमें पॉइंट है जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा है, वो कह रहा है कि बेवजह ही सोल्जर सैनिक जो अपनी जान को गवा देते हैं इन भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में। इसमें आया पैलेस वॉल्स, पैलेस वॉल्स का मतलब है ये रॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है पैलेस वॉल्स। आगे देखते हैं। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हेरल्ड्स क्रश ब्लास्ट इन द न्यू बॉर्न इन्फेक्टियर एंड ब्लाइट विद द प्लग द मैरिज हर्स। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि लेकिन जब इस शहर में रात होती है, जब इस शहर में चांद निकलता है, तो मुझे इस शहर में प्रोस्टिट्यूशंस की बेबसी और चिल्लाहटें सुनाई देती हैं। मैं उनकी बेबसी और उनके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है वेश्या, ठीक है। आगे पोइट कहता है कि जब वो प्रोस्टिट्यूशंस होती हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चों को देखकर वो खुश नहीं होती है बल्कि उन्हें कोसती हैं। उनकी माँ उन्हें देखकर खुश नहीं होती, उन्हें कोसती है और उनसे कहती है कि तू क्यों पैदा हुआ है। देख रहे हो यहाँ पे कितना दर्द बताया गया है।
दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है मैरिज हर्ष। मैरिज हर्ष का मतलब है कवि है जो शादी को मौत की तरह देखता है। कवि का मानना है कि मैरिज मतलब डेथ। लोग शादियाँ करते हैं लेकिन उन शादियों का कोई मतलब नहीं होता। लोग शादियों के बाद भी अपनी अपनी जगह पर अफेयर चलते रहते हैं लोगों के। दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि इस पोएम में किस किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इसमें सबसे पहले सोसाइटी को, फिर चर्च को, फिर प्रोस्टिट्यूशन को और फिर मैरिज को क्रिटिसाइज किया गया है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।